नमस्ते, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम अरवी के पत्तों को लेंगे, उनको एक एक करके कट करेंगे। उसके बाद हम उनको पानी से वॉश करेंगे। अभी देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स है, ये हमारा बेसन है, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्च पाउडर, ये ज़ीरा, ये नमक और ये काली मिर्च है। हमने बेसन में थोड़ी सी यहाँ पे दाल भी मिलाई हुई है। उसके बाद में हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने एक पत्ता लिया और उसे अच्छे से रखा हुआ है, और ये लेप उसके ऊपर बहुत अच्छे से लगा देंगे। आपको जैसा भी मोटा पतला चाहिए हो वैसा आप लगा सकते हैं, अच्छे से लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया। दूसरा पत्ता अब इसके ऊपर रखा हुआ है, उसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, अच्छे से पूरा लेप लगा देना है। देखिए हमने कम्प्लीट कर दिया है। उसके बाद वन बाय वन आप जितना मोटा बनाना चाहते हैं उतना आप उतने पत्ते उसके ऊपर रख सकते हैं। हमने तो 3-4 पत्ते रखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा तीसरा पत्ता है, हमने उसको वैसे ही बिल्कुल कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए, ये छूटे ना। सारे साइड से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, इस साइड से भी कर लेंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। अब हम धीरे धीरे इसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे लगा लगा के, जैसे आप देख रहे हैं अच्छे से इसे बेसन लगा लगा के इसके ऊपर, ताकि ये छूटे ना, तो अच्छे से लगा लेंगे। अभी हमने इसको फोल्ड कर लिया है, इसे रेडी कर लिया। देखिए अब बन के रेडी हो। इसके तने से हमने कुछ रेसे निकाल लिए थे इसको बांधने के लिए, ताकि इसको जब हम बॉयल करें ना तो निकले ना। देखिए कितने अच्छे से हमने इसे बांध लिया है। अब हमने यहाँ पे कुकर रखा हुआ है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम स्टैंड डाल रहे हैं रोटी वाला, और इसके बाद अलग से ग्रेटर डाला हुआ है ताकि ये नीचे लगे ना। अब हम एक एक करके इसमें रखेंगे, एक रख दिया अभी दूसरा भी रख देंगे, अच्छे से रख देंगे। इसके बाद हमने कुकर के ढक्कन की सीटी निकाली हुई है ताकि सीटी ना आए उसमें, अच्छे से लगा देंगे और 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। 20 मिनट के बाद देखिए मैंने इसको खोला है, कितने अच्छे से पक गए हैं। अब हमने इसे निकाल के बाहर रख लिया है, देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इनको एक एक करके कट करेंगे, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने ऐसे काटा हुआ है, थोड़े से गर्म है, आप ठंडे करके काटेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजिली होगा। हमने एक एक करके इनको कट कर लिया, देखिए सारे कट गए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। हमने इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई ली हुई है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, इसके बाद हमने इसमें लौंग डाली हुई है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छे से भून जाए। उसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला हुआ है, आप इसे अच्छे से भून लें ब्राउन होने तक, अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे जब ये भून जाएगा अच्छे से। अब हमने इसमें ये मिर्च डाली हुई है, ये हल्दी पाउडर डाला हुआ है, थोड़ा सा हमने इसमें धनिया पाउडर डाला हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि ये जले ना मसाला हमारा, अच्छे से इसको हम मिक्स कर लीजिए थोड़ी देर। अब आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स कर लें। उसके बाद अब हम इसमें पीसेस डालेंगे अपने, देखिए हम डाल रहे हैं यहाँ पर आराम से अच्छे अच्छे से। आप उसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, एक दो बार ही मिक्स करें, उसके बाद ढक दें और 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से पका लें, उसके बाद आप गैस ऑफ कर सकते हैं। हमारी रेसिपी बनके तैयार है, आप लोग इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।